नमस्कार मित्रों, क्या हम अग्नि यानी कि फायर के बिना अपने दैनंदिन जीवन की कल्पना कर सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि अग्नि की जरूरत हमें अपने रसोई घर से लेकर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, उद्योग धंधों में बिजली पैदा करने से लेकर कई चीज़ें मैन्युफैक्चर करने के लिए पड़ती है। फिर उपहार सिनेमा गृह, कमला मार्केट, सूरत कोचिंग क्लासेस, भरूच वेलफेयर हॉस्पिटल जैसे अग्निकांडों से होने वाले नुकसान का क्या? क्या इन नुकसानों से हम बच सकते हैं? बिल्कुल बच सकते हैं। उसके लिए हमें अग्नि यानी फायर को अंडरस्टैंड करना जरूरी होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम अग्नि के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो फायर होती क्या है? फायर एक केमिकल रिएक्शन है, आप इसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। इसके लिए तीन चीज़ों की जरूरत होती है। सबसे पहले जलने वाली चीज़ यानी फ्यूल, दूसरा सोर्स ऑफ इग्निशन यानी कि जलाने वाली चीज़, और तीसरा हवा या ऑक्सीजन। और इस रिएक्शन से उत्पन्न होता है अग्नि, साथ में कुछ टॉक्सिक गैसेस और लाइट भी उत्पन्न होता है। तो चलिए अग्नि को समझने के लिए हम दो प्रिंसिपल का उपयोग करते हैं। पहला प्रिंसिपल जिसे हम फायर ट्रायंगल कहते हैं, और दूसरा फायर टेट्राहेड्रॉन। फायर ट्रायंगल कहता है कि फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन एक ट्रायंगल की तीन बाजुएं हैं। अगर इसमें से अगर एक भी बाजू अगर मिसिंग होती है तो आग उत्पन्न नहीं होगी, मतलब आग को जलने के लिए या आग को लगने ना देने के लिए हमें किसी एक चीज को रिमूव करना है, मतलब इन तीन चीजों को आपस में मिलने नहीं देना है। फायर टेट्राहेड्रॉन प्रिंसिपल कहता है कि इसमें एक चौथी बाजू आती है जिसे हम चेन रिएक्शन कहते हैं। तो चेन रिएक्शन क्या होती है, तो समझिए अगर हम किसी लकड़ी को जलाते हैं तो क्या करना पड़ेगा, हमें उसको पहले प्रीहीट करना पड़ेगा। जैसे जैसे हम इसको प्रीहीट करते हैं तो उसमें से मॉइस्चर ड्राई होते जाएगा, मॉइस्चर ड्राई होते ही लकड़ी डिकम्पोजिशन में चली जाएगी और फ्लेमेबल वेपर्स को इमिट करना स्टार्ट करेगी, जैसे कि हाइड्रोजन है, CH3 है या मिथेन है, ये फ्लेमेबल चीज़ों को इमिट करना स्टार्ट कर देगी। ये चीज़ें जब सोर्स ऑफ इग्निशन मिलता है तो ऑक्सीजन की प्रेजेशन में इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। इस रिएक्शन में कुछ ऊर्जा निर्माण होती है, ये ऊर्जा दूसरी रिएक्शन को इनिशिएट कर देती है और ये सिलसिला बढ़ते जाता है, तो इसे चेन रिएक्शन कहते हैं। अगर हम इस चेन रिएक्शन को अगर ब्रेक कर देते हैं तो आग को आसानी से बुझा सकते। तो आपने समझ लिया कि आग को बुझाने के लिए आपको पहले ऑक्सीजन का फ्यूल को रिमूव करके आग को हम बुझा सकते हैं, दूसरा ऑक्सीजन को रिमूव करके यानी स्मूदरिंग करके हम उसको बुझा सकते हैं, और तीसरा सोर्स ऑफ हीट को रिमूव करके हम आग को बुझा सकते हैं, और चौथा तरीका है आप चेन रिएक्शन को ब्रेक करके आग को बुझा सकते हैं। तो चलिए हम आग के प्रकार को जानने की कोशिश करते हैं। आग का पहला प्रकार है क्लास ए फायर। क्लास ए टाइप की जो फायर होती है उसमें लकड़ा, प्लास्टिक, पेपर आदि चीज़ों का समावेश होता है। इन चीज़ों में लगने वाली आग को क्लास ए फायर कहा जाता है। क्लास बी प्रकार की जो फायर होती है इसमें जलने वाले लिक्विड फ्यूल्स जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मिथेनॉल, इन चीज़ों का समावेश होता है। क्लास सी टाइप की जो फायर होती है इसमें जलने वाले वायु यानी कि गैसेस जैसे कि LPG, CNG, PNG इन सब का समावेश होता है। क्लास डी की जो फायर होती है ये जलने वाले मेटल जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, इनमें लगने वाली आग को क्लास डी फायर कहा जाता है। लेकिन इसमें एक और क्लास आता है जिसे हम क्लास ई भी बोल सकते हैं, अदरवाइज आप उसको सिंपली इलेक्ट्रिकल फायर बोलिए। इसको सेपरेट रखा गया है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल फायर कोई चीज़ होती नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ सोर्स ऑफ इग्निशन होती है। और आप इसको, इस फायर को जिस टाइप का फ्यूल जैसे कि लकड़ा है या पेट्रोल जल रहा है या कोई और चीज़ जल रही है उस हिसाब से आप उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि हर एक प्रकार की आग को हम किस तरह से बुझा सकते हैं। क्लास ए टाइप की जो फायर होती है ये डिप्लिसिटेड फायर होती है, तो इन टाइप की जो क्लास ए टाइप की जो फायर होती है उसके लिए आपको हीट को रिकवर करना या हीट को रिमूव करना जरूरी होता है। और हीट को रिमूव करने का सबसे आसान तरीका है कि आप उस पर कूलिंग करिए, पानी के जरिए कूलिंग करिए। तो क्लास ए की जो फायर है उसको आप पानी से बुझा सकते हैं, और आजकल ABC करके एक्सटिंग्विशर्स आते हैं तो आप ABC एक्सटिंग्विशर का भी उपयोग कर सकते हैं।
क्लास बी फायर जो तरल पदार्थों की फायर होती है, जैसे कि पेट्रोल डीजल, अगर इन चीजों की में लगी आग को अगर हम पानी से बुझाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है हमें नुकसान हो, क्योंकि पेट्रोल डीजल की जो डेंसिटी है वो पानी से कम होती है। तो जब हम पानी मारते हैं तो पानी नीचे चला जाता है और ऑयल ऊपर आ जाता है और ये स्पिल हो सकता है। तो इसके लिए इनकी डेंसिटी से कम डेंसिटी वाला पदार्थ हमको यूज करना होता है, जैसे कि फोम। फोम जब हम इन पे मारते हैं तो ये फोम इनके सरफेस पे फैल जाता है और ऑक्सीजन का सप्लाई कट ऑफ कर देता है। इस टाइप के आग में हम ड्राई केमिकल पाउडर का भी उपयोग कर सकते हैं जो बाइकार्बोनेट बेस होते हैं। ड्राई केमिकल पाउडर चेन रिएक्शन को ब्रेक करते हैं और आग को बुझा सकते हैं, लेकिन ड्राई केमिकल पाउडर से आग बुझने के बाद में ये रीइग्नाइट हो सकती है। इसके लिए सबसे बढ़िया है फोम। क्लास सी यानी कि जलने वाली वायु, जैसे कि एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी में लगने वाली आग, इस सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कभी भी गैस फायर होती है तो सोर्स, जो गैस का जो सोर्स है उसको आइसोलेट करने की कोशिश करनी होती है। अगर हमने आइसोलेट किए बगैर आग को या फ्लेम को बुझा दिया तो इससे नुकसान हो सकता है, क्योंकि गैस पूरे रूम में या एरिया में फैल सकती है और कोई सोर्स ऑफ इग्निशन मिल जाए तो सीधा एक्सप्लोजन हो सकता है। तो सबसे पहले इस टाइप की जो अग्नि होती है उसमें आपको सोर्स ऑफ फ्यूल आइसोलेट करने की कोशिश करनी चाहिए, और ड्राई केमिकल पाउडर, CO2 आदि एक्सटिंग्विशर से आप आग बुझा सकते हैं। क्लास डी टाइप की जो फायर है वो जलने वाले मेटल में लगने वाली फायर होती है। इसके लिए आप पानी, फोम या ड्राई केमिकल पाउडर या CO2 यूज नहीं कर सकते। इसके लिए आपको कोई ऐसी चीज यूज करना है जिसमें मॉइस्चर कंटेंट ना हो, क्योंकि मॉइस्चर या पानी से ये मेटल्स रिएक्ट करते हैं और उसमें एक्सप्लोजन हो सकता है। तो इसके लिए आप ड्राई सैंड, सीमेंट, सोडा ऐश या एक स्पेशल केमिकल आता है टर्टरी यूटेटिक क्लोराइड नाम का, उसके एक्सटिंग्विशर आप यूज कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल फायर को बुझाने का तरीका है कि आप इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स आइसोलेट करिए, उसके बाद में जिस टाइप का मटेरियल जल रहा है उस हिसाब से आप एक्सटिंग्विश करने की कोशिश करिए। अगर लकड़ा जल रहा है तो आप पानी से बुझाइए, अगर पेट्रोल डीजल जल रहा है तो आप फोम या ड्राई केमिकल पाउडर का उपयोग करिए। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सटिंग्विशर्स कैसे चलाए जाते हैं और हर एक टाइप की आग को हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।